नमस्कार दोस्तों, जर्नी टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे भुवनेश्वर शहर का कुछ फेमस टेंपल। भुवनेश्वर जो प्राचीन कोलिंग का कैपिटल है और वर्तमान में यह ओडिशा का कैपिटल है, एक ऐसी जगह जहाँ पे किंग अशोका और कोलिंगो के आर्मी के बीच में द्वंद्व हुआ था। भुवनेश्वर जिसका मतलब है भगवान की दुनिया। त्रिभुवनेश्वर इसी वर्ड से इस शहर का नाम हुआ है भुवनेश्वर। इस शहर को सिटी ऑफ टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। करीब 500 से भी ज़्यादा टेंपल यहाँ पे स्थित है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं इस वीडियो के ज़रिए भुवनेश्वर शहर का कुछ फेमस टेंपल। माँ शिखर चंडी टेंपल जो कि भुवनेश्वर के पाटिया से है। ये टेंपल शिखर चंडी हिल में स्थित है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और सीता देवी और लक्ष्मण ने वनवास का कुछ समय यहीं पर गुजारे थे। पहाड़ों के ऊपर स्थित ये टेंपल बहुत ही स्पिरिचुअल है। मुक्तेश्वर सिद्धेश्वर टेंपल जहाँ पे शिव जी की और गणेश जी की पूजा किए जाते हैं। ये टेंपल करीब 800 से 1000 साल में, यानी कि जूलियन कैलेंडर के अनुसार 800 से 1000 साल के भीतर निर्मित हुआ था और ये ओडिशा का खुर्दा डिस्ट्रिक्ट से है।
केदार गौरी टेम्पल, जो कि मुक्तेश्वर टेम्पल का बगल में ही है, और ये एक अष्टशंभु टेम्पल है जहाँ पे शिव जी की पूजा किए जाते हैं। परशुरामेश्वर टेम्पल, जो कि मुक्तेश्वर टेम्पल से भी पुराना है, और इस टेम्पल में भी शिव जी की पूजा किए जाते हैं। धौली, जो कि भुवनेश्वर से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसको हम शांति स्तूप के नाम से भी जानते हैं। राजा अशोका ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उसके बाद ही ये शांति स्तूप का स्थापित किया। ये शांति स्तूप कलिंग युद्ध का समाप्त का मार्ग माना जाता है। ये है दया नदी। जब राजा अशोक के साथ कलिंग का युद्ध हुआ, तब इतने लोग मारे गए थे कि ये नदी का जो रंग है वो पूरा लाल हो गया था। इसके बाद ही राजा अशोक ने भावुक होकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। Thank you.
तारिणी टेम्पल जो भुवनेश्वर के लीलाद्री बिहार में स्थित है। बहुत ही जागृत मंदिर है और संध्या आरती जो इसमें होता है वो बहुत ही देखने लायक है। राम मंदिर जो भुवनेश्वर से करीब 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, श्री राम जी के भक्तों के लिए ये मंदिर बहुत ही बढ़िया है। ये मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।